मेरी मेरी रूह, मेरी पत्नी अभी यही थी। देखिए मिस्टर, ना संभाल, शाम हो चुकी है, रात भी होने वाली, हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। रूही मर चुकी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी, मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है, अभी अभी यही थी मेरे पास। मिस्टर, ना संभालिए अपने आप को। मुझे छोड़, छोड़ मुझे। रूही, 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 रूही नहीं रही। मतलब उसने पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दी। अब दादी, दादी, दादी आप बैठिए, बैठिए, आप बैठिए। समझ नहीं आ रहा माँ। मैं रूही को इस घर से दूर जरूर करना चाहती थी, पर वो ऐसे चली जाएगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ नहीं हुआ होगा माँ। आंटी, अंकल, क्या हुआ? आप सब इतना परेशान क्यों हैं? अग्नि, रूही भाभी ने पहाड़ से कूदकर आत्महत्या कर ली। रूही मर गई? अब लग तो यही रहा है, अब क्या कह सकते हैं अभी। जूही, तुम ठीक हो? तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं, अंदर तुम्हें छोड़कर आऊं। नहीं सब, मैं दादू को रूही के बारे में नहीं बता सकती। लेकिन जूही, आज ही तो कल बताना ही पड़ेगा ना। कब तक छुपाओगे उनसे? मैं सही मौका देखकर बता दूंगी, पर अभी नहीं, अभी नहीं। पहले ही जिंदगी कुछ छीन चुकी है मुझसे, मैं दादू को नहीं खोना चाहती। संभालो कुछ। अरे वाह, हमारी जूही समर के साथ आ रही है। वाह मेरी पोती, तुमने तो कमाल कर दिया। लगता है इस घर में जल्द ही शहनाइयां गूंजेंगी। अरे पूनम, आप खिड़की के बाहर क्या देख रही हैं? मैं जूही को कब से फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही। अरे मुझे बहुत बेचैनी हो रही पूनम, वो कहाँ रह क्या गई है वो? दे, 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 दादू, मैं यहाँ हूँ दादू। तुम पहले अंदर आओ, अंदर आओ तुम। क्या हुआ दादू? बेटा तुम कहाँ रह गई थी? मुझे मुझे कितनी चिंता हो रही थी बता, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है बेटा। तुम फोन भी नहीं उठा रही थी बेटा। रूही से कुछ बात हुई? उसका फोन भी नहीं लग रहा है बेटा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। दादू, वो सब कुछ ठीक है दादू। मैं से मिलने ही तो गई थी। वो ना बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो क्या है ना, दोनों बहनें इतने टाइम के बाद मिली थी तो मस्ती कर रहे थे, तो इसलिए उनका ध्यान ही नहीं रहा। रूही ने ना मेरे लिए मम्मी वाले वो मलाई और चीनी के पराठे भी बनाए थे। आज का दिन तो मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगी दादू। जूही, तो ठीक तो है ना? अब हाँ दादी, ठीक हूँ। वो सनी शायद से आंख में कुछ चले गया, अब मैं वो धोकर आती हूँ। हाँ
जूही तो समर के साथ आई थी, पर बात रूही की कर रही है। कहीं ये कुछ छिपा तो नहीं रही, कुछ ज्यादा ही खुश भी लग रही है। आखिर बात क्या है? के अंदर इसलिए वो रखा है कि कोई आवाज सुन ना ले, किसी को पता ना चले। नहार, ये सब क्या है बेटा? रूही ने आत्महत्या नहीं की ना? ये सब झूठ है ना नहार? तुम्हें रूही मिल गई ना नहार? समर, तू बता, रूही भाभी कहाँ है? उनका कुछ पता चला? कहाँ है वो? तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल। भैया, आप बताओ, रूही भाभी कहाँ है? आप दोनों चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। नहार, ये सब क्या है नहार? रूही ने ऐसा क्यों किया? नहार, नहार जी, आप आ गए। कितनी देर लगा दी आपने। रुकिए, मैं आपके लिए अभी कॉफी बनाकर लाती हूँ। नहार, बेटा कहाँ खोए हो? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो ना बेटा? इंस्पेक्टर, क्या कहा? बोल ना, रूही ने ऐसा क्यों किया? बोल क्या? नहार जी, प्रसाद ले लीजिएगा। मैं जानती हूँ आपको भगवान पर विश्वास नहीं है, लेकिन मिठाई समझकर खा लीजिएगा प्लीज। लीजिए। नहार, क्या हुआ बेटा? उधर क्या देख रहे हो नहार? कुछ तो जवाब दो। कहाँ गई तुम? रुई, रुई, तुम यहीं तो थे। अब इसको रूही दिख रही है। रूही, रूही। नहार, नहीं पापा, वो यहाँ थी। नहीं है। नहीं 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 पापा, रूही रूही यही थी, मेरे आंखों के सामने थी। पता नहीं कहाँ चली गई। नहार, बेटा संभालो खुद को, खुद को संभालो नहार। हम सबको छोड़कर चली गई है। नहार, नहार, भैया, नहार,
और मैं ठीक हूं बेटा, मैं ठीक हूं। मुझे प्लीज अकेला छोड़ दीजिए। नार, नार। कब तक तुम मुझे खुद से दूर रखोगे नार? अब तो रूही भी नहीं, अब बस तुम और मैं हूं, और इस बार हमारे बीच कोई नहीं आएगा। ये निशान अनंत प्यार और साथ को दर्शाता है, और आज हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंतकाल तक रहेगा। रूही, याद है रूही, तुमने कहा था नार जी, हमारा साथ अनंत तक है। So infinity, कि हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर क्यों रूही, क्यों क्यों इस सफर में तुमने मुझे छोड़ दिया? क्यों चली गई? क्यों 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 कूद गई तुम? क्यों उस पहाड़ी से कूद गई रूही? क्यों कूद गई? कूद गई एक एक बार, एक एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने? एक बार मैंने कितनी बार आवाज लगाई, रूही रूही एक बार देख लो मेरी तरफ, मैं तुम्हारा नार। लेकिन नहीं, तुमने एक बार पलट के नहीं। क्यों नहीं देखा? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? क्यों 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 मुझे अकेला छोड़ के चली गई? मेरे पापा गए, मेरा, और अब हम आपने रूही को भी अपने पास बुला लिया ना मम्मी? वो हमेशा से आपकी फेवरेट थी ना, हमेशा। इसलिए हम लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया मुझे। क्यों मम्मी, क्यों क्यों किया आपने ऐसा रूही को? बुला लिया मुझे,
नहीं 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 आई एम सॉरी रूही, आई एम सॉरी रूही, मैंने 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 तुम्हारी पेंटिंग खराब कर दी, आई एम रियली सॉरी रूही, आई एम रियली सॉरी रूही, आई एम सॉरी सॉरी कहीं नहीं रूही, तुमने मुझसे वादा किया था कि हमारा साथ जन्मों जन्मों का है, अनंत काल तक है। और मैं जानता हूं तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगे, नहीं तोड़ सकती तुम, नहीं तोड़ सकती। पता नहीं रूही के घर वालों को इस बारे में कुछ पता है अभी या नहीं। माँ, जूही ने किसी को कुछ भी बताने के लिए मना किया है और उसने बोला है कि वो अपने हिसाब से घर में सबको बताएगी। हमें रूही की शोक सभा की तैयारी करनी होगी। अचानक लाइट को क्या हो गया? लगता है मौसम खराब होने की वजह से ये सब हो रहा है। क्या कुछ और भी हो सकता है? कुछ और मतलब? कुछ और मतलब जिन लोगों की एक्सीडेंट में या हत्या से या आत्महत्या से अकाल मृत्यु हो जाती है उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, वो आत्माएं भटकती रहती है। कल ही हमें रूही की आत्मा शांति के लिए पूजा करनी होगी। हाँ दादी, हड्डी। जी माँ जी। अग्नि, मुझे क्या पता, मेरा हाथ छोड़ना। अग्नि, परेशान मत हो, मौसम के कारण हुआ होगा। दादी, मैं कैंडल जला देती। ध्यान से जाना बेटी। मैं मोबाइल की टॉर्च ऑन करता हूँ। ये क्या, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। अपनी जल्दी कर। माँ जी, मैं इतनी देर से दिया जला रही थी, तब तो ये दिया नहीं जला। अभी अभी खुद से ये दिया कैसे जल गया? सोनी, हाँ, ये दिए का जलना, लाइट का चले जाना और बाहर ये आंधी तूफान,
ये इसी बात का संकेत है कि रूही की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। सुनी, हमें कल सुबह ही रूही की आत्मा शांति के लिए पूजा करनी होगी, वरना उसकी आत्मा इस घर के आसपास भटकती रहेगी। ठीक ठीक है माची, ठीक है।